Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, distinguish between a gamete and a zygote. Gamete क्या होते हैं, zygote क्या होते हैं, हमें differentiation करना है और explain their roles in sexual reproduction. इन दोनों का sexual reproduction में क्या role होता है. अगर हम लोग sexual reproduction का बात कर रहे हैं तो gamete और zygote जो है दोनों ही बहुत ज़्यादा essential part हैं sexual reproduction के, right? तो gametes क्या होते हैं? The cells involved in sexual reproduction. ये gametes जो हैं actually cells होते हैं जो कि male और female में दोनों होते हैं. Males में होते हैं sperm, female में होते हैं ova, ovum, egg जो भी बोलो, ठीक है? बहुत सारे names हैं female के part के. So तो जितने भी चीज़ें हैं जो कि मेल्स और फीमेल से रिलेटेड हैं, जिसको हम लोग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फर्दरली डिवाइड भी करते हैं, तो मेल गैमेट है स्पर्म, फीमेल गैमेट है ओवम और एग. ये एक्चुअली सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और सबसे इनिशियल स्टेज तो यही है, स्पर्म क्रिएट होना या ओवा क्रिएट होना, ठीक है? Zygote, the fusion of male gamete and female gamete forms zygote. जब fusion होती है इन दोनों की, male gamete और female gamete की fusion होती है, तब form होता है zygote. सबसे पहले fertilization का first thing जो creation होता है, जो create होता है, वो है zygote. इसमें male और female gamete का fusion है, fusion दोनों का मिला भगत है इसमें, during sexual reproduction. Now, gametes are unfertilized reproductive cells. Gametes जो हैं वो unfertilized reproductive cells हैं. Because यहाँ पे fertilization होती तो ये zygote बन गया होता. Unfertilized हैं, दोनों अलग अलग अपने अपने roles में हैं. The fusion of sperm and egg forms a fertilized ovum or zygote. इन दोनों का male gamete और female gamete का मिलना, fusion होना ही ओवम या जाइगॉट क्रिएट करता है. तो जब तक क्रिएशन नहीं होती है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ये दोनों अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, अलग अलग हैं दोनों बिल्कुल ना. जाइगॉट इज फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम. और ये जो जाइगॉट है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद मिला हुआ हमारा प्रोडक्ट है. जाइगॉट अंडरगोज डेवलपमेंट एंड फॉर्म्स अ न्यूली फॉर्म्ड बेबी. जाइगॉट जो है, इनिशियल जब हम लोग फर्टिलाइजेशन होती है तो ड्यूरिंग 3 weeks और 4 weeks हम उसको जाइगॉट बोलते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे एक्चुअली ओवरीज में या फिर फैलोपियन ट्यूब में हमें मिलते हैं. फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद वो एम्ब्रायो कहलाता है. जब तक ओवरीज में है तब तक वो जाइगॉट कहलाते हैं. और ये बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हैं ड्यूरिंग द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, ताकि वो एक न्यूली बेबी फॉर्म कर सके. थैंक यू.